भारत की चुनिंदा भूतिया जगहों में से एक है। कुलधरा एक वीरान कस्बा है जहां इंसान दिन में जाने से भी कतराते हैं। कुलधरा के आसपास से गुजरने वाले मुसाफिरों और यात्रियों ने वहां अजीब घटनाएं होने का विवरण दिया है। So, all right guys, अभी हम लोग पहुंच गए कुलधरा, राइट ब्रो? सो यहाँ अभी मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ, यहाँ कोई तो है, स्पिरिट हॉन्टेड प्लेस है ये। एंड एक ही रात पे ना पूरा गांव गायब हो गया था, किसी को पता नहीं था पूरा कहां गए, इसके लिए ये हॉन्टेड प्लेस है। सो ये हॉन्टेड प्लेस है, हमको कोई तो दिख रहा है इधर, कोई है क्या? ये रात में दिखेगा तेरे को पीछे पीछे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ रुके लंच के लिए एंड यहाँ से हम लोग निकलेंगे फोर्ट के लिए, फिर उदयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, सॉरी जोधपुर के लिए हम लोग निकलेंगे। अभी फिलहाल लंच करते हैं एंड आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा नोज एकदम ब्राइट हो गया बिकॉज मेरी तबीयत खराब है, बट स्टिल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज हम लोग बहुत एक्साइटेड है और बस में हम लोग इतने डांस कर रहे हैं ना, तुमको क्या बताओ। ये ट्रिप लाइफ का सबसे बेस्ट था ये आई वी। सो मेरे जो क्लास के और एक फ्रेंड हो उन लोग नहीं आए तो बहुत मिस कर रहा हूँ, जैसे कि आदित्य, रूपाली, प्रियंका, आरती एंड सारे लोग जो नहीं आए उन लोग को हम लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो प्लीज़ आप लोग देखो जो नहीं आया, और मैं नहीं चाहता कि आप देख के अफसोस करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर भी है, हम लोग वो टाइम में भी आएंगे। सो प्लीज़ वो टाइम में आप लोग भी आओ एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अभी जाते हैं लंच करने। सो ऑलराइट गाइस, हमारा लंच अभी जस्ट हो गया है, हमने लंच यहाँ पी है, हमारी बस वहाँ रुके है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक डे और बढ़ जाए तो और मज़ा आएगा, बट स्टिल ये टाइम स्पेंड जो हम लोग कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ ये दोबारा कभी नहीं होगा बिकॉज दो साल के बाद सब अपने जॉब में लग जाएंगे एंड सब अलग हो जाएंगे, बट जो टाइम अब मिल रहा है इट्स रियली अमेजिंग टू एक्सप्लोर, इट्स रियली अमेजिंग जो बॉन्डिंग एक साथ हो रहा है हमारे फ्रेंडशिप में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सो आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो या आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो स्कूल में से कभी भी आप लोगों को पिकनिक लेके जाते हैं या कॉलेज में से आईवी लेके जाते हैं तो प्लीज़ आप जाइए एंड ये चीज़ एंजॉय करें। ओके, सो आपके पेरेंट्स को बोलो कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं तो अच्छा लगेगा, नई चीज़ देखने में मिलेगी, नए लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। साइली, बाइक रेंट करने गए 15 मिनट का पाकिस्तान में।
तो और गाइज हम लोग ने ये बाइक लिए और ये हमें 300 का मिला है, 500 देके रिटर्न हमें मिलेगा। एंड अभी फिलहाल हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सो जाते हैं एंड बैग देखते हैं। सो गाइज मैं कैमरा से व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे पक्षक भाई हमारा फोटो लेंगे अभी। व्हाई नॉट, सो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अदम ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേ റൂം। इधर हमारे बच्चन साहब भी आ चुके हैं, बच्चन देने के लिए आए थे वो साहब। तेरा मैटर हुआ ना, मेरे को बुलाना, यही सामान लेके मैं घुसूंगा। तो गाइस इधर सब आप देख सकते हो, ये मैटर का सामान है, जब भी मैटर हुआ उठा के सीधा ठोकने वाला रोल है इधर। तो इधर गन है, सामान है, तलवार है, सब है, सब ठोकेंगे इधर। ये है गन जिससे अपन अभी शूट करने वाले हैं। गाइस ये जो गन है ये टोपीदार गन है, 7 फुट का गन है, ओके, काफी बड़ा गन है, उससे सब ठोकते रहे लोग, काफी ठोकने वाला गन है ये, बहुत बड़ा 7 फुट का गन है। ये देख सामान वामान दिख रहा है। यहाँ हमारे ये राजा है, इनके बेटे हैं। Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like Jay, stay gone, I know you're out there.
फाइनली गाइज वी रीच एट जोधपुर। सो अभी 11:30 हो रहा है। सो हम लोग वहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ आए हैं एंड अभी डिनर भी करेंगे यहाँ पे। सो अभी अंदर जाते हैं हमारा बस। सो एवरीवन इज ऑन ट्रिप, सो लेट्स गो इनसाइड। Open restaurant. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting on whoever, feeling like your grip might slip too soon, but I'm एक्शन।